ठीक है क्वेश्चन है हमारा फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग सबसे पहला क्वेश्चन हमने लिया है साइन इनवर्स साइन इनवर्स वन बाय टू देखिए अब आप डायरेक्टली मैंने बता दिया आप बता सकते हैं ठीक है ये एक एंगल है ठीक है आप डायरेक्टली तो बता सकते हैं लेकिन हमें करना कैसे वो ध्यान रखिए ठीक है तो जब हमारे करने का वो होगा वो होगा लेट वाईक्वल टू ठीक है एनसीआरटी का एक क्वेश्चन है एग्जाम्पल वन ठीक है ये एनसीआरटी का ही एग्जाम्पल वन है ठीक है लेट वाई इक्वल टू साइन इनवर्स वन बाय टू क्लियर लेट वाईक्वल टू साइन इनवर्स वन बाय टू ठीक है देखिए ये वाला फंडा आपको याद देखो समझ में आए वाई इक्वल्स टू साइन इनवर्स वन बाई टू ओके साइन इनवर्स वन बाई टू वाई टू एफ इनवर्स एक्स माना और एफ इनवर्स एक्स को मैंने साइन इनवर्स एक्स से बताया था तो आप देखिए ठीक है अब यहां से हमारा एक्स क्या होगा एक्स इक्वल टू एफ आई एक्स इक्वल टू एफ आई आप साथ साथ इस चीज को याद करते जाए वाई इज इक्वल टू एफ इनवर्स एक्स इन स्टेप्स को याद करते जाए ठीक है एक्स इक्वल टू एफ आई x तो यहां से x आ जाए कितना था by 2 is equals to साइन y ठीक है sin y अब हमारा नेक्स्ट आपको याद रखना है वी नो वी नो प्रिंसिपल रेंज, रेंज सबकी याद होनी चाहिए सारे इनवर्स की is minus pi by 2 pi by टू तो अब आपको इसमें चेक करना है कि इस, इस रेंज में हाफ एंगल किस पे मिलेगा हाफ किस पाई पे मिलेगा तो आपको पता है तो ये होगा हाफ फिजिकल्स टू साइन किस पे होगा -π/2 ये होगा π/6 पे तो इसका मतलब आपका y कितना आ जाएगा π/6 ये वे होगा आपका करने का क्वेश्चन को सॉल्व करने का ठीक है अगर आपको पूछ लिया प्रिंसिपल वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग सबसे पहली बात आप इन दो स्टेप को याद रखना है, स्टार्टिंग में मैंने आपको रिकॉल कराया कि y f इनवर्स x ठीक है और x f ऑफ y स तो होगा तभी इसकी वैल्यू आपको पता है अब आपको पता है ना साइन के किस एंगल पे वैल्यू हाफ होगी बट दैट इट बट ऑलवेज रिमेंबर दैट ठीक है उनकी प्रिंसिपल रेंज आपको पता होनी चाहिए या प्रिंसिपल डोमेन आपको पता होनी चाहिए ठीक है साइन इनवर्स एक्स की प्रिंसिपल रेंज क्या होती है माइनस फाइव बाई टू से फाइव बाई टू ठीक है आप नोट डाउन कर लीजिए इसको एक दो क्वेश्चन हम और देखेंगे ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सेकेंड है कॉस इनवर्स माइनस वन अपॉन रूट टू ठीक है तो वे क्या होगा लेट इक्वल्स टू कॉस ऑफ इन कॉस इनवर्स माइनस वन अपॉन रूट टू ठीक है तो वाई इज इक्वल्स टू एफ इनवर्स एक्स ऑलरेडी ऑलवेज रिमेंबर दीज टू स्टेप ठीक है ये देखिए आपको मैंने स्टार्टिंग बताया यही फंडा हम यहां अपना कर रहे हैं यही फंडा हम यहां अप्लाई कर रहे हैं ठीक है तो यहां से हमारा क्या होगा माइनस वन अपॉन रूट टू इज इक्वल टू कॉस वाई नाउ अगेन प्रिंसिपल रेंज ऑफ कॉस इनवर्स एक्स इज जीरो टू पाई. तो आप बताइए जीरो टू पाई में किस एंगल पे कॉस की वैल्यू माइनस वन बाय रूट टू मिलेगी तो आपको पता है वन थर्टी फाइव डिग्री या थ्री पाई बाई तो आपका वाई आ जाएगा थ्री पाई बाय फोर आपको वही वैल्यू लेनी है इसमें मान लो थ्री पाई बाय फोर प्लस टू पाई कितना हो जाएगा आप करिए इसको एक बार ये आपका इलेवन पाई बाय फोर तो आप देखिए इलेवन पाई बाय फोर पे भी है ना इसकी वैल्यू माइनस वन बाय रूट टू तो। लेकिन हमारा वाई कभी भी माइनस इलेवन वन ये नहीं हो सकता क्यों क्योंकि हम प्रिंसिपल वैल्यू पे बात कर रहे हैं जो आपके बड़े मतलब बड़े बुजुर्गों ने मैथमेटिशियनों ने जो फिक्स कर दिया ना आपको उसके गलत नहीं है ये कोई कहे ना गलत नहीं है गलत है नहीं है by 4 हो सकता है लेकिन जो वो कह गए कि आपको प्रिंसिपल रेंज और उन्होंने डिसाइड कर दिया आपको उसी के बारे में बात करनी है ये कॉस इनवर्स वर्स माइनस वन बाय टू बिल्कुल हो सकता है इलेवन फाइव बाई फोर बिल्कुल हो सकता है कोई गलत नहीं है कि इलेवन फाइव बाय फोर नहीं होगा बट वो कहकर गए उसके अकॉर्डिंग नहीं होगा वो कह रहे हैं कि आपको जो प्रिंसिपल रेंज और डोमेन हमने डिसाइड किया है आपको उसी में बात करनी है, उसके बाहर नहीं जाना वरना ये वैल्यू ये भी हो सकती थी थ्री पाई बाय फोर प्लस फोर पाई आप ये भी करते तो भी आपको वही मिलता आगे बस समझ में ठीक है एक क्वेश्चन हम और देखते मान लो आपके सामने आ गया टैन इनवर्स रूट थ्री माइनस वन अपॉन रूट थ्री प्लस वन या ऐसा भी आ सकता है टेन इनवर्स टू माइनस रूट थ्री ठीक है ध्यान रखना ये और ये एक ही वैल्यू है आप इसको अगर रेशनलाइज कर दोगे ना तो आपको ये मिल जाएगा ठीक है आपको ये मिल जाएगा आप इसको रेशनलाइज करोगे ना आपको तो ये मिल जाएगा ठीक है तो ये और ये एक ही है ठीक है तो हमारा सबसे पहला काम क्या होगा लेट वाई इजिकल्स टू टेन इनवर्स रूट थ्री माइनस वन अपॉन रूट थ्री प्लस वन ओके तो हमने यहां से लिखा टेन वाई इज इक्वल्स टू रूट थ्री माइनस वन अपॉन रूट थ्री प्लस वन अब आपको अगेन प्रिंसिपल रेंज पता होनी चाहिए प्रिंसिपल रेंज ऑफ टेन इनवर्स एक्स क्या होगा ध्यान रखना अगर सिर्फ इतना फाइंड करना है तो ये लिखना पड़ेगा वन आप डायरेक्टली लिख सकते हो जब अगर कभी एप्लीकेशन आएगी ना टेन इनवर्स रूट थ्री माइनस वन अपॉन रूट थ्री तो हम डायरेक्टली लिखेंगे जैसे हमने स्टार्टिंग में पढ़ा है हम डायरेक्टली वैल्यू लिखा करेंगे ठीक है हम ऐसे नहीं लिखा करेंगे हम डायरेक्टली वैल्यू लिखा करेंगे तो प्रिंसिपल रेंज एक्सिस किस पर होती है आंसर है फिफ्टीन डिग्री की वैल्यू है, है ठीक है टेन फिफ्टीन डिग्री की और फिफ्टीन डिग्री कितना होता है फाइव बाई तो हमारा जो वाई होगा वो कितना हो जाएगा चीजें अगर क्लियर हो जाएगी तो ये चैप्टर बहुत ईजी है बहुत ईजी चैप्टर है ये मतलब पूरे एनसीआरटी में इसके जितना ईजी चैप्टर कोई है ही नहीं मगर चीजें एकदम आपको क्लियर है और ट्रिग्नोमेट्री के एप्लीकेशन आती है आपको ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूले आते हैं